आज का वीडियो बनाने के लिए देखिए इस तरीके से टू पीसेस मैंने कपड़े के लिए, वन और टू आपके पास कोई भी कपड़ा हो आप ले सकते हैं। कॉटन का नॉर्मल फैब्रिक लिया है मैंने। इसकी विड्थ मैंने ली है 12.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 21.5 इंच। तो टू पीसेस लिए हैं और इसके बीच में इंसर्ट करने के लिए इस तरीके से जो आटे वाली प्लास्टिक की थैली होती है मैं वो यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप राइस बैग, फॉर्म शीट, रबर शीट कुछ भी है वो यूज कर सकते हैं। सेम साइज की एक पीस मैंने ये कट किया। अब आपको करना क्या है, सबसे नीचे ये रखा, बीच में जो भी आप लाइनिंग का पीस यूज कर रहे हैं वो पीस रखना है और सबसे ऊपर मेन फैब्रिक रखना है इस तरीके से। ये मैंने रखा। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए, लगा ली तो इस तरीके से मेरे पास रेडी हो गया। बीच में इस तरीके से प्लास्टिक वाला आटा बैग, नीचे और ऊपर लाइनिंग, तो वन पीस रेडी हो गया। दो मिनट हम इसे साइड पे रखते हैं। अब इसके ऊपर लगाने के लिए इस तरीके से मैं प्लास्टिक वाली शीट ले रही हूँ। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ, इसकी विड्थ सेम लेनी है आपको, इसके बराबर मैंने इसकी विड्थ ली है 12.5 इंच, 12.5 इंच। और इसकी लंबाई मैंने ली है, इसकी लंबाई है 15.5 इंच। तो एक पीस हमें ये चाहिए। सबसे पहले हम इसमें जिप अटैच करेंगे, तो इसे साइड पे रखते हैं और इसे इस तरीके से सेंटर में से टू पीसेस कर देने हैं। इसे बीच में से इसके टू पीसेस कर दीजिए। ये मैंने इसे सेंटर में से अलग कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके यहाँ कॉर्नर पे एक तरफ इस तरफ और इस तरफ दोनों के एक एक तरफ हमें पाइपिंग से इसे फिनिश करना है। तो इसे मैंने 1.5 इंच की पट्टी है, एक पट्टी यहाँ पे रखनी है इस तरीके से, आपको यहाँ पे रखा, यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। हम इसे पाइपिंग से फिनिश करेंगे। दूसरी वाली यहाँ पे रखनी है, यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए। तो दोनों पे सिलाई लगा ली, ये देखिए यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा ली और इस पे सिलाई लगा ली। अब आपको क्या करना है, इसे दूसरी तरफ को फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए ये देखिए इस तरीके से, तो ये हमारी पाइपिंग सी बन जाएगी। इस पे सिलाई लगा लीजिए, इस पे भी और इस पे भी, इस पे पट्टी लगा ली, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब हमें एक जिप चाहिए इसके साइज की, बीच में हम जिप इंसर्ट करेंगे। तो इस तरीके से जिपर लिया, इसे यहाँ पे रखना है इसके ऊपर और ये वाला पीस रखना है इसके ऊपर इस तरीके से, दोनों तरफ से जिप के ऊपर, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई ली। मैंने सिलाई लगा ली तो जिप मेरी इंसर्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, ये वाला पीस रखना है इसके एक तरफ इस तरीके से, प्लास्टिक वाला जो हमने इस पे जिप लगाई है वो रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक तरफ से इस पे सिलाई लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस पे सिलाई लगा। अब इसे दूसरी तरफ को फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, और ऐसे फोल्ड करते हुए इस तरीके से इस पे बैठने वाली सिलाई लगा, ये देखिए मैंने इस पे टॉप स्टिच लगा लिया। तो इस तरीके से हमारा ये अटैच हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इस पे हमें साइड लगानी है। साइड लगाने के लिए देखिए इस तरीके से टू पीसेस लिए हैं मैंने, ऊपर कपड़ा नीचे कपड़ा और बीच में इस तरीके से आटा बैग डाल के सिलाई की हुई है जैसे हमने पहले सिलाई की थी। इन दोनों पीसेस के मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये है 6 इंच इसकी विड्थ है और इसकी लंबाई है 15.5 इंच। अब आपको करना क्या है, ये वाला पीस लेना है इस तरीके से, इसे रखना है यहाँ पे, ये जो हमारा जहां से ये प्लास्टिक शुरू हो रहा है उसके पीछे रखना है आपको इस पे, यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। एक पीस आपको इस तरफ ज्वाइन करना है, सेम ऐसे ही ये वाला पीस इस तरफ रखना है यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए और यहां से लेके यहां तक दोनों तरफ इस पे सिलाई लग, यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा ली और एक पीस इस तरफ अटैच कर लिया। अब हम इसके सीधी तरफ, अब इसे इस तरीके से कर लीजिए यहाँ पे, ये देखिए एक सिलाई यहां से लेके यहां तक लगानी है, फिर इस प्लास्टिक वाले को पकड़ना है इस तरफ, एक सिलाई यहां से लेके यहां तक टू, सेम उसी तरीके से इस पे भी लगानी है, यहां से पकड़ना है सीधी तरफ से थ्री, और फिर यहां से पकड़ना है ऐसे सीधा ऐसे चार, तो वन टू थ्री और फोर, चारों तरफ से जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा ये कुछ इस तरीके से देखिए बॉक्स शेप में बन जाए। ये मैंने सिलाई लगा ली, वन टू थ्री और फोर। अब हमें क्या करना है, इसे ये जो रफ एजेस हमें पाइपिंग से फिनिश करने, तो वन टू थ्री और फोर, चारों पे हमें इस तरीके से सिंपल स्ट्रेट पट्टी ली है मैंने,
सिंपल स्ट्रेट पट्टी लिया, इसे हमें पाइपिंग से फिनिश करना है। तो यहाँ से इसे एक तरफ से रखते हुए इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस पे सिलाई लगाएंगे। एक तरफ मैंने इसके सिलाई लगा ली, अब इसे दूसरी तरफ को फोल्ड करते हुए तो ये हमारी पाइपिंग सी बन जाएगी इस तरीके से। इस तरीके तो हमारे रफ एजेस फिनिश हो जाएंगे और पाइपिंग भी बन जाएगी। इस पे सिलाई लगा लीजिए, जैसे इसे फिनिश किया है वैसे ही बाकी साइड्स भी फिनिश कर ली। ये देखिए मैंने इसे पाइपिंग से फिनिश कर दिया, 1, 2, 3 और 4 चारों तरफ से फिनिश हो गया, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसे अंदर को इस तरीके से बिठाना है जिसे प्लीट सी होती है, और इस तरफ से भी बिठाना है इस तरीके से। दोनों तरफ से मैंने इस तरीके से बिठा दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस पे सिलाई लगा लिया। अब इस तरीके से एक मैंने स्ट्रिप को फोल्ड करके ज्वाइन कर लिया है, ये मैंने लिया है, ये हैंगिंग के लिए मैं बना रही हूँ। ये मैंने लिया है 12.5 इंच, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे जहाँ पे जिप लगी हुई है यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए इसे सिलाई से अटैच कर लीजिए। ये देखिए ये मैंने अटैच कर लिया। अब ये जो हमारा रफ एजेस है इसे हम पाइपिंग से फिनिश करेंगे। तो सिंपल स्ट्रेट पट्टी लिया मैंने इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगाई। अब इसे दूसरी तरफ को फोल्ड कर लीजिए तो हमारी पाइपिंग सी बन जाएगी। देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे पूरे पे लंबाई में सिलाई लग, ये देखिए यहाँ से मैंने इसे सिलाई लगा ली। तो यहाँ से पाइपिंग से फिनिश हो गया, यहाँ से हमारा हैंगिंग के लिए हो गया। तो देखिए हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इस मल्टीपर्पज़ बैग का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें दो पेयर रख लिए, तो एक बैग में आपके दो पेयर आराम से आ जाएंगे। देखिए दो बड़े साइज़ के मैंने मेंस शूज़ रखे हैं इसमें, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इस तरीके से यहाँ जिपर ओपनिंग के साथ एक पेयर मेरा इस तरफ आ गया, एक पेयर इस तरफ आ गया। तो इस तरीके से रखते हुए आप इसे बेड के नीचे या अपनी अलमीरा के नीचे कहीं भी इस तरीके से शूज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। और ये इसे ट्रैवलिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं तो सिंपल इसे इस तरीके से पैक करके अपने बैग में रख सकते हैं। तो आप इसमें शूज़ रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको इसमें शूज़ ही रखने, आप इसमें क्लोथ स्टोर करके रखना चाहें क्लोथ रख सकते हैं, बच्चे के कपड़े रख सकते हैं, इसे हैंग कर सकते हैं इस तरीके से। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इस बैग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया, देखिए इस तरीके से फ्रंट साइड यहाँ से हैंगिंग है, बैक साइड इस तरीके से बॉटम, तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। आप बैग में शूज़ डाल के देखिए, मैंने दो पेयर्स डाले हैं, कोई भी अलमीरा है आपके उसके नीचे इस तरीके से स्टोर करके ईजिली रख सकते हैं। तो आप इस बैग का मल्टीपर्पज़ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं।